साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार रजनीकांत इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 2.0 को लेकर बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। इस फिल्म में अक्षय कुमार भी नेगेटिव भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के ऑडियो रिलीज के मौके पर कुछ दिनों पहले रजनीकांत दुबई गए थे। रविवार को इस प्रोग्राम का प्रसारण हुआ था। रजनीकांत ने इस दौरान बताया था कि वो पहली बार दुबई आए हैं। फिल्म के ऑडियो रिलीज का प्रोग्राम दुबई के बुर्ज पार्क में आयोजित किया गया था। इस दौरान रजनीकांत ने बताया कि मैं पहले कई बार दुबई से होकर गुजरा हूं, लेकिन कभी एयरपोर्ट से बाहर नहीं आया। यह पहली बार है जब मैं दुबई आया हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने दुबई शासक को इंडियन लोगों को जॉब देने के लिए धन्यवाद भी किया। साथ ही रजनीकांत ने उनके वह मुसलमानों के साथ संबंध पर बात कही। उन्होंने बोला कि जब मैं 70 के दशक में बस कंडक्टर था तो ट्रांसपोर्ट में कार्य करने वाले ज्यादातर लोग मुस्लिम थे। जब मैं चेन्नई आया तो एक दोस्त के घर के किरायेदार के तौर पर रहा। उस बिल्डिंग का मालिक एक मुस्लिम दोस्त था। जब मैं मशहूर हुआ तो पियोस गार्डन में खुद का घर खरीदा। वह भी मुस्लिम समुदाय के एक शख्स का था। रजनीकांत ने आगे बोला कि मैंने कई फिल्मों में कार्य किया है, लेकिन आज भी अगर कोई फिल्म उन्हें झटका दे सकती है वे है बादशाह। रजनीकांत की बातों को सुनकर वहां बैठे लोगों ने जमकर तालियां भी बजाई। बता दें, फिल्म 2.0 में रजनीकांत, एमी जैक्सन व अक्षय कुमार लीड भूमिका में हैं। फिल्म का कुल बजट करीब 400 करोड़ रुपए है।